नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकादमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप रिलेटेड एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स कि नेशनल स्कॉलरशिप में अगर आपका स्टेटस इस प्रकार दिखा रहा है, एप्लीकेशन इज मार्क्स एज डिफेक्टिव बाय द इंस्टीट्यूट या बाय द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, मतलब इस प्रकार अगर दिखा रहा है एप्लीकेशन मार्क्स एज डिफेक्टिव, तो इसका क्या मतलब है, इसको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि जब तक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, फिर आगे आपका फॉर्म वेरीफाई भी नहीं होगा और आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगा। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ कि मार्क्स एज डिफेक्टिव का क्या मतलब होता है, डिफेक्टिव क्यों होता है और कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का इन फ्यूचर डिफेक्टिव होने वाला है, तो आप लोग जल्द से जल्द अपना NSP का फॉर्म अगर फिल किए हैं तो लॉग इन करके अपना स्टेटस को जरूर चेक करेंगे कि आपका डिफेक्टिव हुआ कि अप्रूव हुआ। अगर यहाँ पर दिखा रहा है अप्रूव बाय इंस्टीट्यूट या वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट और यहाँ पर ES है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन मार्क्स एज डिफेक्टिव दिखा रहा है तो इसको जल्द से जल्द सॉल्व जरूर करेंगे। तो चलिए इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लॉग इन करके चेक कीजिए कि आपका क्या स्टेटस है। तो देख सकते हैं इस प्रकार इस स्टूडेंट का दिखा रहा है कि एप्लीकेशन इज मार्क्स एज डिफेक्टिव बाय द इंस्टीट्यूट, मतलब इस स्टूडेंट का फॉर्म इंस्टीट्यूट से डिफेक्टिव किया गया। डिफेक्टिव का मतलब होता है कि कुछ त्रुटि है, कुछ फॉर्म में प्रॉब्लम है, जिसके वजह से इंस्टीट्यूट आपका फॉर्म को वापस आपको भेज दिए कि इसको सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, उसके बाद इसको सही करके आप दोबारा फाइनल सबमिट करें। और जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर रिमार्क्स में आप लोग को मिल जाता है कि क्या प्रॉब्लम के वजह से आपका फॉर्म डिफेक्टिव हुआ। तो रिमार्क्स में आप लोग चेक कर लेंगे आपका क्या प्रॉब्लम है, और डिफेक्टिव होने के बाद आप अपना फॉर्म में कुछ भी एडिट कर सकते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला को छोड़ के। जैसे कि मैं अभी आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे इसका मार्क्स एज डिफेक्टिव हो गया, एप्लीकेशन मार्क्स एज डिफेक्टिव, तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करते हैं तो ये स्टूडेंट अपना सब कुछ एडिट कर सकता है सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला छोड़ के, मतलब जैसे स्टेट, प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये दो चीज़ छोड़ के बाकी सब कुछ एडिट कर पाएंगे। इंस्टीट्यूट का नाम, परसेंटेज वगैरह, एड्रेस वगैरह और कम्युनिटी, रीजनल, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो स्टूडेंट अपना जो है स्कीम को भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना भूल गए थे और आपका फॉर्म अगर इंस्टीट्यूट डिफेक्टिव कर दिए तो दोबारा आप डॉक्यूमेंट को भी यहां से अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर गलती कुछ अपलोड कर दिए हैं, जैसे ये अपलोड डॉक्यूमेंट गलती कर दिए, तो दोबारा हम अपलोड वाला में क्लिक करके चॉइस फाइल में क्लिक करके जो सही डॉक्यूमेंट है उसको इस प्रकार सेलेक्ट करके हम लोग अपलोड भी कर सकते हैं। फिर से अपलोड आपका यहाँ पर हो जाएगा जिसको अभी आप अपलोड करेंगे, तो डॉक्यूमेंट को भी आप लोग चेंज कर पाएंगे, साथ ही साथ आप स्कीम को भी चेंज कर पाएंगे अगर इंस्टीट्यूट आपका फॉर्म डिफेक्टिव करते हैं तो। ठीक है, तभी इसका फॉर्म डिफेक्टिव हो गया। तो देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में हम क्लिक करते हैं तो मेरा सब कुछ आ गया, अब जो भी आपको एडिट करना है आप उसको एडिट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ही गलत ले लिए तो इंस्टीट्यूट को भी आप चेंज कर पाएंगे, अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम को भी चेंज कर पाएंगे, और जो है IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर को छोड़ के बाकी कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका मान के चलिए कुछ भी यहाँ पर गलती आप ले लिए हैं उसको सुधार सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, फिर आप जिस जिस स्कीम के लिए एलिजिबल है वो स्कीम भी आएगा तो आप लोग अपना अपना स्कीम को भी ले सकते हैं। जैसे बहुत स्टूडेंट NMMS के लिए होता है, मतलब एलिजिबल होता है, लेकिन प्री मेट्रिक भर देते हैं तो फॉर्म डिफेक्टिव करेंगे तो आप जितना स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे सब स्कीम आ जाएगा। फिर आप लोग सही से ही अपना स्कीम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर्म को फॉर्म भरेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल जाएंगे तो डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं, फिर फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर इंस्टीट्यूट दोबारा आपका फॉर्म को वेरीफाई करेंगे लॉगिन करके, एप्लीकेशन रीवेरिफिकेशन में इंस्टीट्यूट लॉगिन करके आपका फॉर्म को वेरीफाई करेंगे तो जो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। तो डिफेक्टिव हुआ है तो आप लोग इस प्रकार एडिट कर सकते हैं, स्कीम वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही जानकारी देना था। अगर आप लोग की जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।